तो डे वन ये फर्स्ट टाइम नहीं जब मैं डे वन फिर से शुरू कर रहा हूँ। कई बार मुझसे गलतियाँ हुई और आगे भी होती रहेंगी। खैर 15 डेज, 20, 25, 30 और उसके बाद बेस्ट मेरे 139 डेज है। अभी तक जो 139 डेज गए थे, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये कम से कम पिछले वाले से बेहतर हो। और शुरुआती 1-2 हफ्ते जो सबसे मुश्किल होते हैं, तो हाँ आज डे वन है और हम फिर से शुरू कर रहे हैं। पता नहीं कितने दिन चलता है, पर कोशिश करेंगे कि ये लास्ट 139 डेज़ का रिकॉर्ड तोड़े, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा हूँ कि 139 डेज़ को भी काफ़ी हो गया। उसके बाद 30 डेज़, 40 मैक्सिमम, बस इतना ही। और इसके बाद फिर कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने 139 डेज़ में अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है, कुछ भी मुझे फ़ायदे नहीं मिले। अब देख सकते हैं अगर इन दो में फ़र्क आया तो ये इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। और ये ऐसा नहीं कि एक बार में फ़र्क आ गया, बहुत जल्दी फ़र्क आ गया है। ये बीते 1-2 सालों में मैंने बहुत बार गलतियाँ की, बहुत बार ट्राई किया, रिलैप्स हुए, पर फिर भी हर बार नई नई चीज़ें सीखी। और जिस पे पिछली बार गलती हुई थी, कोशिश की कि वो ना दोहराई जाए। अगर गलती से दोहरा भी थी वो गलती, तो फिर उसके बाद फिर कोशिश की। पर बात है कि आप गलतियाँ करते रहेंगे। और अगर इन दोनों अभिनव में अगर कोई फ़र्क आया, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नोफैप से आया है। मतलब पहली बार तो सिर्फ नोफैप शुरू किया था, पर जैसे जैसे गलती होती गई, वैसे वैसे मैं सीखते गया कि नोफैप से सिर्फ कुछ नहीं होगा। वो फ़ायदे देता है, पर उसके साथ बेहतर रहेगा आप और भी चीज़ जोड़े, जैसे वर्कआउट, मेडिटेशन, योगा वगैरह। हो सकता है आप लंबा ना चला पाए, पर शुरू तो कर सकते हैं और कुछ दिन तक तो चलेगा ही। अब प्रॉब्लम क्या है ना, कि सबसे पहले 2 वीक जो सबसे मुश्किल होता है, जो जिसमें अक्सर लोग ख़त्म करते थे, जिसमें मैंने भी बहुत बार गलतियाँ की, उसमें अर्जेस जो शुरू होते हैं वो डायरेक्ट ऐसे शुरू नहीं होते हैं कि हाँ ठीक है पॉर्न देख लेते हैं वगैरह वगैरह। ये हमेशा इस तरह शुरू होते हैं कि ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं क्या जाता है, सब तो देखते हैं। और फिर उस थोड़े बहुत से वो थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाता है, ऐसे लेवल में ऊपर लेगा कि आपका दिमाग इस पर जोर देता है कि चलो थोड़ा देख लेते हैं, बाकी कुछ नहीं करेंगे, तो वैसे थोड़ा नज़र डाल देते हैं या क्या ही हो जाएगा, आज और कर लेते हैं, आज से नहीं अगले मंडे से वगैरह वगैरह वगैरह, अगले मंडे से 1 तारीख से, ऐसा दिमाग ऐसा खेल खेलता रहता है। और जो ये वाली परेशानी है लेवल 1 वाली, इसमें आपका दिमाग सोचता है कि कब तक वगैरह, जो सबसे पहला प्रश्न आता है आपके दिमाग में कि कब तक करेगा आखिर। तो ये ऐसा है कि अगर तैरने वाले को किनारा दिख रहा हो, तो एक उसके पास एक मोटिवेशन होता है, अगर उसके पास एक गोल दिख रहा हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आप नोफैप शुरू करते हैं तो आपके पास ऐसे डेट होनी चाहिए। स्पेशली अगर आप पहली बार या दूसरी बार शुरू कर रहे हैं, बिगनर है, तो आपको डेट होनी चाहिए कि 15 दिन 20 दिन। और ये गोल ऐसा ना हो कि मतलब बहुत ही मुश्किल से 1 साल, या आज कल करूँगा ही नहीं, आज से पूरी तरह बंद। तो आप इसे 1 हफ्ता 15 दिन मैक्सिमम 1 महीने के लिए स्टार्ट दे सकते हैं। और उसमें गलतियों की आप उम्मीद कर सकते हैं, उसमें ये गलतियाँ तो होंगी। और अगर ऐसा नहीं कि इसे आपने 1 महीने के लिए शुरू किया और हफ्ते में कभी गलती से हो जाता है, तो आप इसे उस डेट में क्रॉस ला के फिर आगे कर सकते हैं। मैंने एक बार ट्राई किया था, जब 1 महीने में पहले मैं जब भी बंद कर देता तो एक भी दिन, तो फिर पूरी तरह बंद कर देता था। पर फिर मैंने इसे धीरे धीरे चलाया और अब कोशिश करता हूँ। तो मैंने इसे 1 से 30 तक डेट लिख दी, और जब भी जिस दिन भी होता था उस दिन क्रॉस होता, जिस दिन नहीं होता उस दिन टिक होता था। तो ये इस तरह से हुआ कि अगर मैं पहले कंपेरिजन में देखूँ तो ये काफ़ी सारे क्रॉसेस होते थे, लेकिन फिर जब मेरे पास एक डेट थी कि 30 दिन में 1 महीने में कम से कम करना है, तो ये क्रॉसेस कम होते गए। और ये हर महीने के साथ कम होते गए, क्योंकि आपके पास एक था कि लास्ट महीने 10 बार हुआ, तो इस बार 9, फिर 8। तो हमेशा ये बहुत बढ़िया तरीका था जो मेरे लिए काम किया था। तो हाँ, बाकी डे 1 पर मैं आप क्या ही ज़्यादा बोलूँ, लेकिन हाँ मैं इसलिए इस बार वीडियो बना रहा हूँ ताकि शायद, क्योंकि मैं हर बार 139 डेज़ का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ, 140, 139, मुझे आपने जो वो ठीक से, अब मैं उसको 140 कहता नहीं, 139 कर देता हूँ, क्योंकि 140 डेज पे हुआ था, तो फिर जो भी है। तो हाँ, तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि हो सकता है इस बार वो 140 डेज़ का रिकॉर्ड टूटे, 139। तो हाँ, मतलब मैं चाहता हूँ इसलिए इस बार वीडियोस बना के मैं ट्राई कर रहा हूँ, ताकि अलग अलग तरीके, गलतियाँ होंगी फिर से होंगी, अगर होंगी तो फिर शुरू कर देंगे। पर हाँ, क्योंकि पहले बदलाव आया है, तो कोशिश करते रहेंगे और बेहतर और बेहतर और बेहतर करने की। तो थैंक यू।